दुकानों पर विभाग ने की नाबालिगों की जांच। शहर की दो दुकानों पर श्रम विभाग, महिला बाल विकास और कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन की टीम ने मारा छापा। श्रम विभाग, महिला बाल विकास, कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन द्वारा पुलिस के सहयोग से आज डावा ब्रदर्स और कमल इलेक्ट्रिकल दुकान पर जांच कर एक एक बालक का रेस्क्यू किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। महिला बाल विकास विभाग गंज बासौदा के संरक्षण अधिकारी संतोष रघुवंशी ने बताया कि नाबालिगों से कार्य ना कराने की जागरूकता को लेकर कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य के मार्गदर्शन में 1 जून से 30 जून तक अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर आज श्रम विभाग इंस्पेक्टर देवकी नंदन बघेल, संतोष रघुवंशी, अनुज जैन, संरक्षण अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग, दीपा शर्मा, कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन और पुलिस कर्मचारियों की संयुक्त टीम ने नेहरू चौक स्थित डावा ब्रदर्स पर जांच की, जिसमें 4 बालिका दस्तावेज के आधार पर 18 वर्ष से ऊपर पाई गयी, जबकि एक बालक के दस्तावेज उपलब्ध न होने पर उसका रेस्क्यू किया गया। इसी प्रकार कमल इलेक्ट्रिकल पर भी एक बालक का रेस्क्यू किया गया। दोनों को बाल कल्याण समिति विदिशा को सौंपा जाएगा और दोनों दुकान पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जो न्यायालय को भेजा जाएगा। विदिशा से आशीष सहेली की रिपोर्ट। दुकानों पर कौन कौन सी कैसी कार्रवाई की गयी? आज हम लोग बासुदा में बाल श्रमिकों और किशोर श्रमिक हैं, उनके विरुद्ध अपन जागरूकता और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हम लोग आए हुए हैं। हम लोगों के साथ श्रम विभाग के अलावा महिला बाल विकास और पुलिस विभाग और एनजीओ कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन काम कर रही है। आज हम लोगों ने 2 शॉप्स पे कार्रवाई की है, एक तो कमल इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल शॉप है और एक ये डावा कंपनी है। इसमें हम लोगों को दो किशोर श्रमिक पाए, मुझे बात की किशोर 14 वर्ष से अब के हैं और जो भी हम एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं निरीक्षण किया गया उसमें और इसके बाद हम लोग इसमें आगे। मैडम, इन पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें जो आगे की प्रोसेसिंग है इसके अलावा इसमें हम लोगों को जो प्रकरण है अब न्यायालय में दायर करना। मैम, गुम आस्था में इनके नाम आए हैं कि 15 लड़कों के लिए काम करने की अनुमति है और ये बच्चियों से काम करा रहे हैं, महिलाएं भी काम कर रही हैं। इसमें वो आवेदन थे हमारे ऑफिस में, आवेदन थे, अगर क्योंकि अभी